मेरे प्यारे भाई और बहनों आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम हमारे महर्षियों हमारे संतों हमारे सतपुरुषों प्रभु के भक्तों ने बार बार इस बात पर जोर दिया है जिसकी शिक्षा वेदों में दी गई है उपनिषदों में दी गई है ब्रह्म सूत्रों में दी गई है भगवद गीता में दी गई है कि ब्रह्म एक है प्रभु एक है हम सबका मालक एक है सृजनहार एक है हमारा जन्मदाता एक है उसकी कोई जाति नहीं है वह जात पात से ऊपर है मेरे प्यारे भाई और बहनों मुझे दुख है कि हम इसकी साक्षी अपने जीवन में नहीं देते जिन्हें हम शूद्र समझते हैं जिन्हें हम हरिजन अछूत कहते हैं जिन्हें हम अधम जाति का कहते हैं जिन्हें हम गरीब फकीर अपाहिज अपिंग, अपंग समझते हैं वे भी प्रभु का रूप हैं इसलिए मेरे प्रियजनों सबके आगे सिर झुकाओ जैसा कि कल मैं आपको दक्षिण भारत के एक शूद्र भक्त नंदा के बारे में बता रहा था दक्षिण भारत में छुआछूत बहुत होती है वहां के लोग शूद्रों को अछूत मानते हैं नंदा भी शूद्र था और वह एक जमींदार के पास काम करता था एक बार एक पंडित कहीं उपदेश दे रहा था भक्त नंदा वहां से गुजरा तब उसने पंडित को ये कहते सुना पृथ्वी पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो है चिदम्बरम चिदम्बरम दक्षिण भारत में एक शहर है वहाँ शिव जी का भव्य मंदिर है दक्षिण भारत में शिव जी की बहुत पूजा होती है वहाँ महादेव के भक्त पुजारी हैं दक्षिण भारत में आपको हर जगह ये स्वर सुनाई देगा ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय शिव शंभु शिव शंभु महादेवा हरि ओम हरि ओम नम शिवाय मेरे प्यारे भाई और बहनों जैसे उत्तर भारत में काशी है आज भी कई लोगों का विश्वास है कि यदि उनकी मृत्यु काशी में होगी तो वे सीधा वैंकुट धाम पहुंच जाएंगे उसी प्रकार उन दिनों ये बात सात सौ साल पुरानी है उन दिनों लोगों का विश्वास था कि जिसकी मृत्यु चिदम्बरम में होगी उसे मुक्ति मिलेगी भक्तनंदा के कानों में पंडित के ये शब्द पढ़ते हैं धन्य हैं वे लोग जो चिदम्बरम जाते हैं बस उस पल से नंदा के दिल में चिदम्बरम जाने की प्यास जागी वह जिस जमींदार के पास काम करता था उसके पास बार बार जाकर चिदंबरम चिदम्बरम जाने की अनुमति मांगता चिदम्बरम में हर साल मेला लगता था नंदा मेले में जाना चाहता था पर वह जब भी ज़मींदार से जाने की अनुमति मांगता ज़मींदार उसे डांत देता बेचारा नंदा चुपचाप उसकी डांत सुन लेता फिर थोड़े दिन गुजरते वह फिर ज़मींदार के पास अनुमति मांगने पहुंच जाता मालिक मुझे अनुमति दो मैं चिदम्बरम जाना चाहता हूँ जमींदार फिर डांत देता अरे तुम्हें कितने कितनी बार समझाया है कि तुम शूद्र हो तुम्हें चिदम्बरम के मंदिर में आने ही नहीं देंगे जाओ जाओ जाकर अपना काम करो बेचारा नंदा दान सहता रहता पर उसके दिल में प्यास बढ़ती जा रही थी पार ब्रह्म की जिस जिसमन नक तिस् न लाग दुख न जमींदार के पास बहुत बड़ी खेती थी फसल तैयार खड़ी थी ज़मींदार ने सोचा अगर मैं पंद्रह मज़दूर फसल काटने के लिए रखूं तो भी फसल को काटने में पंद्रह दिन लग जाएंगे अभी ज़मींदार इसी सोच में डूबा था कि तभी नंदा फिर से उसके पास आकर बोला मालिक मैं चिदम्बरम जाना चाहता हूँ आप मुझे कुछ दिनों की छुट्टी दें यह सुनकर ज़मींदार को इतना गुस्सा आया कि उसने नंदा से कहा तुम सचमुच मूर्ख हो कितनी बार तुम्हें समझाया है कि तुम वहाँ जाकर क्या करोगे अगर अगली बार ये बात कही तो मैं नंदे से तुम्हारी पिटाई करूँगा तब तुम्हारी अक्ल ठिकाने लगेगी अच्छा तुम चिदम्बरम जाना चाहते हो तो ठीक है ये खेत पर जो फसल तैयार खड़े है जो फसल तैयार खड़ी है जाओ उस फसल को काटो जब तुम इसे पूरा काट लोगे तब मैं तुम्हें चिदम्बरम जाने की अनुमति दूंगा नंदा कहता है मालिक चार दिन के बाद वहां मेला होगा और दर्शन मिलेगा यदि मैं आज यहाँ से निकलू तो वहां पहुंचने में मुझे चार दिन लग जाएंगे अगर मुझे यह फसल काटनी है तो पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे इस फसल को काटने में शायद दो तीन महीने लग जाएं फिर मैं वहां कैसे पहुंच पाऊंगा जमींदार ने फिर फटकार कर कहा तुमसे कहा ना अगर तुमने फसल काट ली तो मैं तुम्हें जाने की अनुमति दूंगा वरना नहीं नंदा कहता है जो आदेश मालिक ऐसा कहकर वह वहां से जाने लगता है जाते जाते वह मन ही मन प्रार्थना करता है हे प्रभु आप तो जानते हैं मुझे आपके दर्शन करने की कितनी चाहत है यदि आज मैं चिदंबरम के लिए रवाना नहीं हुआ तो मुझे आपके दर्शन नहीं होंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों फिर पता नहीं क्या होता है पर यह कोई दंत कथा नहीं है यह एक सच्ची बात है पुस्तकों में ऐसा बताया गया है पता नहीं कैसे जो काम पंद्रह दिनों में पंद्रह लोगों के करने से पूरा हो सकता था वह काम उस दिन चार घंटों में हो गया नंदा अपनी मस्ती में फसल काट रहा था पता नहीं किस अदृष्ट शक्ति ने उसका साथ दिया सारे फसल चार घंटों में कट गई यह देखकर नंदा भागता हुआ जमींदार के पास आया और बोला मालिक ज़मींदार ने फिर जोर से चिल्ला कर कहा तुम फिर आ गए अभी तुम्हारी पिटाई करता हूँ बेचारे नंदा ने धीमे स्वर में कहा पर मालिक मालिक आप चलिए और देखिए जमींदार कहता है क्या देखना है रोज रोज तुम मुझे आकर तंग करते हो एक दिन तो मुझे भी अपनी तरह मूर्ख बना दोगे नंदा कहता है नहीं मालिक आप एक बार चल कर देखिए तो सही जमींदार कहता है ठीक है मैं चलता हूँ ऐसा कहकर वह नंदा के साथ चल पड़ा अपनी खेती पर पहुँच कर वहाँ कटी हुई फसल को देख कर वह हैरान रह गया यह देखकर कर वह नंदा के पैरों पर गिर पड़ा वह बोला ये काम तो केवल भगवान ही कर सकते हैं इंसान यह काम नहीं कर सकता तुमने शायद भगवान को पुकारा है नंदा कहता है ये तो सच है यह काम भगवान ने ही किया है मैं अकेला ये काम कैसे कर सकता हूँ उसके बाद जमींदार उससे कहता है मैंने तुमसे अधिक उत्तम इंसान आज तक नहीं देखा मेरे प्यारे भाई और बहनों जमींदार ने जिस नंदा से कहा तुम अछूत हो तुम अधम जाति के हो वही अब उसे कहता है तुमसे अधिक उत्तम इंसान मैंने आज तक नहीं देखा आज से ये सारी खेती तुम्हारी है और अब मैं तुम्हारा गुलाम बनकर काम करना चाहता हूँ क्योंकि भगवान ने स्वयं यहाँ आकर तुम्हारी सहायता की है इस पर नंदा कहता है मालिक मुझे आपकी खेती की जरूरत नहीं है आप अपनी खेती अपने पास ही रखें। आप तो बस मुझे चिदम्बरम जाने की अनुमति दें इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए नंदा चिदम्बरम के लिए निकलता है वह जब चिदम्बरम पहुंचता है तो वहाँ के मंदिर के पुजारी उसे मंदिर में नहीं आने देते तब नंदा मंदिर के बाहर नाचता है भजन गाता है प्रभु को पुकारता है हे hey प्रभु तेरे दर्शन कैसे पाऊं तू साजन राजन मैं एक फकीर तेरे दर्शन खातिर बहाऊ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों इस तरह पूरे तीन दिन तीन रातें गुजर जाती हैं तीसरी रात को मंदिर का जो बड़ा पुजारी था उसे सपना आता है सपने में पुजारी देखता है कि शिवजी उसे पीठ देकर खड़े हैं पुजारी दर्शन करने के लिए घूमकर उनके सामने जाकर खड़ा होता है तो शिव जी अपना दर्शन न देते हुए उसे पीठ देकर खड़े हो जाते हैं पुजारी व्या व्याकुल हो जाता है और कहता है प्रभु बताइए मुझसे क्या भूल हो गई है आप मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ किंतु आप तो मुझे पीठ देकर खड़े हैं शिव जी कहते हैं मेरा प्रिय भक्त नंदा दूर दूर से पैदल चलकर आया मेरे दर्शन करने किंतु तुम लोगों ने उसे वापस भेज दिया तुम मेरे दर्शन करने के लायक नहीं हो तुमने अपना अधिकार गवा दिया मेरा प्रिय भक्त जिसके दर्शन करने के लिए मैं बेताब हूँ न केवल वह मेरे दर्शन करने के लिए मेताब बेताब है किंतु मैं भी बेताब हूं मेरे प्रियजनों यदि आपको प्रभु के लिए प्यास है तो यह न भूले कि प्रभु को भी प्यास है आपके लिए हाँ तो सपने में शिवजी पुजारी से कहते हैं आज से तुम लोगों को मैं दर्शन नहीं दूंगा पुजारी कहता है मेरे प्रभु हमारे गुना हमारी गलतियाँ क्षमा करें प्रभु आप तो दयालु हैं आप तो कृपालु हैं तब शिव जी सपने में पुजारी से कहते हैं कल सुबह तुम मेरे प्रिय भक्त नंदा को अपने कंधों पर बिठाकर पूरे मान सम्मान से बैंड बाजों के साथ इस मंदिर में अंदर लेकर आना उसे अंदर जहाँ मैं विराजमान हूँ वहाँ ले आना जहाँ पुजारियों के अलावा और किसी को आने की अनुमति नहीं है उसे वहाँ ले आना ताकि वह अपने हाथों से मेरी पूजा कर सके तभी मैं तुम लोगों को क्षमा करूँगा सुबह जब पुजारी जागता है उसे अपना सपना अच्छी तरह याद था वह मंदिर के बाकी पुजारियों को बुलाकर उन्हें अपने सपने के बारे में बताता है फिर वह उनसे कहता है ये नंदा तो शूद्र है अछूत है क्या हम उसे मंदिर में आने दें मेरे प्यारे भाइयों और बहनों जो छोटे पुजारी थे लगभग ग्यारह छोटे पुजारी थे ये सभी कहते हैं ये बड़ी अजीब बात है कल रात हमने भी यही सपना देखा शिव महादेव ने बारह पुजारियों के पास जाकर एक ही बात कही कि तुम नंदा को जो मेरा परम भक्त है उसे कंधों पर बिठाकर मंदिर में ले आओ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों अब पुजारी शिव जी के आदेश का पालन करते हैं वे नंदा को पहले नहलाते हैं फिर उसे साफ सुथरे कपड़े पहनाकर अपने कंधों पर बिठाकर बैंड बाजे के साथ मंदिर में ले आते हैं नंदा दर्शन पाकर धन्य हो गया वह शिव जी को देखता रहा उसके नैनों से नीर बहने लगा उसके बाद क्या हुआ बिजली करकी तब मानो शिव जी की प्रतिमा से कोई शक्ति बाहर निकली जो नंदा को ले गई और प्रतिमा में समा गई मेरे प्यारे भाई और बहनों ऐसा बताया गया है कि नंदा अपने इष्ट देव में समा गया काश हम भी समा जाएं काश हमारे दिल में भी ये भूख उठे पार ब्रह्म की जिस्मन भूख नानक सह न लाग है दुख साधु संत प्रभु के भक्त महात्मा इस पृथ्वी पर आते हैं और आह्वान करते हैं ताकि हम में से कुछ लोग सजग हो जाएं हम भी ये जाने कि इस भूख से बरकर इस संसार में कुछ और है ही नहीं भाग्यवान है वो जिसके दिल में ये भूख उठती है पार ब्रह्म की जिस्मन भूख नानक तह न गै दुख पार ब्रह्म की जिस्मन भूख नानक तह न गै दुख ओम शांति शांति शांति